अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, दिस इज़ मूसा। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं कि एक डाइनिंग टेबल पे सेटअप किस तरह से लगाया जाता है। आज की मेरी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए, उन एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका ताल्लुक रेस्टोरों में एक F&B के फ्राइज सर अंजाम देना है। वो स्टूडेंट्स जो रेस्टोरों के फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं या वो एम्प्लॉयज़ जो रेस्टोरों में काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक डाइनिंग टेबल पे सेटअप किस तरह से लगाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपसे ये शेयर करने जा रहे हैं एक डाइनिंग टेबल पे किस तरह से सेटअप लगाया जाता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने रेस्टोरों और घर के डाइनिंग टेबल को एक पुरकशिश और बहुत ही अच्छे तरीके से अट्रैक्टिव बना सकें, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले टेबल की जो है वो चेयर्स सेट की जाती हैं और उसके बाद मैट लगाए जाते हैं। मैट दूसरे मैट की कॉर्नर के साथ इस तरह से कॉर्नर टच होनी चाहिए और नीचे से बिल्कुल नीचे नहीं जाना चाहिए, पूरा टेबल पे होना चाहिए इस तरह से। और एक मैट दूसरे मैट के ऊपर जो है वो नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल एक तरतीब के साथ कॉर्नर अटैच होने चाहिए। इसके बाद मैं ग्लास लगा रहा हूँ, राइट साइड पे ग्लास लगाते हैं। उसके बाद ये क्वार्टर प्लेट आएगी। जो गेस्ट खाना खा रहा होगा वो हमेशा अपनी लेफ़्ट वाली प्लेट को इस्तेमाल करेगा। इसी तरह से ये क्वार्टर प्लेट जो होती हैं लेफ़्ट साइड पे लगाई जाती हैं इस तरह से। अगर एक पर्सन बैठा हुआ है तो उसकी लेफ़्ट साइड पर यह क्वार्टर प्लेट लगाई जाएगी। नीचे से 4 इंचेस ऊपर ये प्लेट लगाई जाती है। अब हमारे पास नाइफ़ आ गई है। नाइफ़ जो है वो राइट साइड पे इस तरह से लगाएंगे। ग्लास से इतना फासला होना चाहिए, आप देख सकते हैं ग्लास से नाइफ़ का इतना फासला होना चाहिए और नीचे से भी इतना फासला होना चाहिए, आप देख सकते हैं। इसके बाद राइस स्पून जो हैं वो इस तरह से राइट साइड पर लगाएंगे और जो है ग्लास से इतना फासला होना चाहिए और नीचे से 1 इंचेस फासला होगा टेबल से, आप देख सकते हैं। इस तरह से स्पून लगाएंगे। उसके साथ ही अगर विंटर सीज़न है, सूप का सीज़न है, तो हम लोग सूप स्पून जो हैं वो लगाएंगे, वो भी राइट साइड पे इस तरह से लगाए जाते हैं। डिफरेंट मेथड होते हैं, अगर आपको कोई दूसरा मेथड नज़र आए तो वो भी आप अडोप्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि मेरा सही है और वो गलत है, इस तरह से नहीं है। इसके डिफरेंट मेथड हैं और डिफरेंट मेथड के साथ एक डाइनिंग टेबल सजाया जाता है। मैं जो स्टैंडर्ड तरीका है जो रेस्टोरों में अमूमन यूज़ किया जाता है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद फोग लगाएंगे। फोग हमेशा लेफ़्ट साइड पर इस तरह से लगाया जाता है, टेबल के नीचे से 1 इंच का फासला होता है, इस तरह से यूँ फोग लगाएंगे। फोग लगाने के बाद मैं सूप सॉसर जो हैं वो लगा रहा हूँ। ये बिल्कुल इस तरह से सेंटर में आएंगी, सिल्वर के सेंटर में इस तरह से जो है वो सूप सॉसर जो हैं वो लगा रहा हूँ मैं। अब इन सॉसर में जो है वो सूप बाउल लगाएंगे इस तरह से। सूप बाउल जो लगाने के बाद हम सेंटर सेटअप की तरफ आएंगे। जो सेंटर में सेटअप लगाया जाता है एक टेबल को खूबसूरत बनाने के लिए, ये फ्लावर वाल है और ये साल्ट एंड पेपर है। एक में साल्ट होगा और दूसरे में ब्लैक पेपर होगा। इस तरह से हमारा सेंटर सेटअप भी कंप्लीट हुआ। और टूथपिक स्टैंड जो होता है उसमें हम इतनी टूथपिक नहीं फील करेंगे कि वो आसानी से निकाली ना जाए, बिल्कुल नॉर्मल से उसमें टूथपिक रखेंगे इस तरह से। आवर रेस्टोरेंट टेबल सेटअप इज़ कंप्लीटेड। इस तरह से एक डाइनिंग टेबल जो है वो सेटअप किया जाता है, उसको खूबसूरत बनाया जाता है। इस तरह की इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब का चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो
आपको गाहे बगाहे मिलती रहें। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द सफाई बनाई रखिए। कायदे आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।